आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद।